उज्जैन में डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए चरक में मंगलवार से बच्चों के लिए नया वार्ड प्रारंभ किया जा रहा है। इस मौके पर कलेक्टर आशीष सिंह ने चरक और माधव नगर अस्पताल का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि मंगलवार से मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में बच्चों के लिए 40 बेड का नया वार्ड प्रारंभ किया जा रहा है। देखिए, जो खास तौर पर डेंगू और वायरल जो सामान्य मौसमी बुखार है उसके पेशेंट्स आ रहे थे, बीच में संख्या बढ़ी थी, फिर पिछले 6-7 दिन पहले एक ऐसा समय आया जब संख्या घटती दिख रही थी, लेकिन अभी फिर पिछले 4-5 दिनों से उस संख्या में इजाफा होता दिख रहा है। मुझे लगता है कि जो मौसम है और जो दूसरी चीज़ें हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसके लिए आज चरक और माधवनगर का दौरा मेरे द्वारा किया गया है। चरक में जो अभी हमारे लगभग 120 के आसपास बेड्स ऑपरेशनल हैं, उनको बढ़ा के हम लोग 5वीं मंजिल पर 45 बेड कल से फिर से चालू कर रहे हैं। नए बेड हम लोग कल से चालू करेंगे और 55 बेड हमारे और तैयार रहेंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो परसों से उसके बाद हम लोग उनको भी चालू कर देंगे। इसी तरह माधवनगर में अभी हर वार्ड में कुछ बिखरे बेड्स जो हैं अवेलेबल हैं, इसको हम लोग वार्ड वाइज थोड़ी संरचना इसकी हम लोग करेंगे और एक वार्ड जो भी बचा हुआ है उसको भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे। लगभग 50-60 हमारे नए बेड कल से माधवनगर में भी ऑपरेशन चालू कर देंगे। इसी तरह माधवनगर में अभी हर वार्ड में कुछ बिखरे बेड्स जो हैं अवेलेबल हैं, इसको हम लोग वार्ड वाइज थोड़ी संरचना इसकी हम लोग करेंगे और एक वार्ड जो भी बचा हुआ है उसको भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे। लगभग 50-60 हमारे नए बेड कल से माधवनगर में भी ऑपरेशन हो जाएंगे। कुल मिलाकर जो हमारी तैयारी है ट्रीटमेंट के पार्ट पर, वो पूरी तरीके से हम लोग इस स्थिति के लिए तैयार हैं कि अगर केसेस की संख्या और आगे बढ़ती भी है तब भी हम लोग उसको मैनेज कर सकें। बाकी दवाओं और मेडिकेशन वाली जहां तक बात है, सभी मरीजों से मेरी बातचीत हुई, सब लोग उससे संतुष्ट थे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।